हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो के V225G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इंडिया में अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं इसी स्मार्टफोन की पांच अच्छे ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, जिससे देखकर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो यहाँ पर आपको वही पुराना सा घिसा पिटा बॉक्सी वाला डिजाइन देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। साथ ही 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक का ही बैग देखने को मिल रहा है। तो डिजाइन यहाँ पर ठीक ठाक दिया गया, यहाँ पर आपको डिजाइन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। बात करते हैं अगर इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.38 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपको छोटा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जबकि इस प्राइस रेंज में तो आपको 6.6 या 6.7 इंच का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में ड्यू ड्रॉप नोच दिया गया, जबकि आजकल पंच होल डिजाइन का ट्रेंड चल रहा है। ड्यू ड्रॉप तो 2 या 3 साल पहले हमें एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिल रहे थे, लेकिन आजकल तो पंच होल वाले डिजाइन लगभग 16 या 17 हजार रुपए की प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन में भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन की एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि यहाँ पर आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले तो काफी ब्राइटर दिया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आपको पुराना टाइप का डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप अपना स्मार्टफोन कहीं लेके जाओगे तो वो ट्रेंड भी नहीं लगेगा, वहां पर आपकी डिस्प्ले की डिजाइन अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आजकल 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में एक ट्रेंड सा बन गया है, क्योंकि बहुत से स्मार्टफोन आपको इस प्रोसेसर के साथ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको लगभग 4 लाख का अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि आप 6 GB के साथ 6 GB और 8 GB के साथ 8 GB एक्सटेंडेड रैम का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के साथ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन का स्टोरेज 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 13 और फंडस ओएस 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी ने यह कहीं नहीं बताया कि आपको कितने साल तक का एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 14 का ही अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 साल के अपडेट नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिलती है, क्योंकि 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आजकल यही वाला प्रोसेसर आपको लगभग सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। कैमरे की अगर बात करें, जो कि आजकल स्मार्टफोन का हाईलाइट होता है, और कुछ ऐसा ही IQ ने भी करने की कोशिश की है, काफी हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियर साइड में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। उन्होंने बार बार बताया कि आपको 64 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बताया कि आपको OIS का सपोर्ट सिर्फ 60 FPS पर देखने को मिलेगा और 30 FPS पर आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है, और अल्ट्रा वाइड सेंसर तो आपको इसके साथ देखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 64 मेगापिक्सल को हाईलाइट किया ताकि देखने वाला सिर्फ उसको देखकर खींच सके, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेन सेंसर है वो ठीक देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि ठीक ठाक है। और इस स्मार्टफोन में आपको 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में भी फुल एचडी प्लस तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर इस स्मार्टफोन के साथ आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर कैमरा ठीक ठाक दिया गया, लेकिन ये वाला कैमरा 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है, लेकिन 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में कम से कम अल्ट्रा वाइड सेंसर तो होना ही चाहिए था। बैटरी और चार्जिंग की अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 5000 mAh की बैटरी भी बहुत से स्मार्टफोनों में देखने को मिल रही है। साथ ही 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया, जो कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी 50% मात्र 24 मिनट में चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग आपको ठीक ठाक दी गई है, क्योंकि अगर 5000 mAh बैटरी होती तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज होती। और बात करें मल्टीमीडिया की, तो इस स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले तो दिया ही गया है, साथ ही यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है, कम से कम ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का तो सपोर्ट होना ही चाहिए। साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में आपको वाइड बैंड 11 का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर कंटेंट SD में वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहने वाला है, मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत जबरदस्त रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उसी वजह से इसका ठीक ठाक रहने वाला है। बात करें कनेक्टिविटी और सेंसर्स की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होने वाला। और ब्लूटूथ 5.1 और वाईफाई 5 का सपोर्ट दिया गया, जबकि आजकल के तो प्रोसेसर वाईफाई 6 को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वाईफाई 5 का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ड्यूअल बैंड वाईफाई और ड्यूअल 5G का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में लगभग सारे सेंसर्स का सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो कनेक्टिविटी और सेंसर्स है वो काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूं, तो ये वाला स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में आता है, 6 GB प्लस 128 GB, जो कि आपको 19,000 में देखने को मिलता है। साथ 8 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट आपको 21,000 में देखने को मिलता है। साथ ही आप जो पहली सेल है उसमें 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हो, अगर आपके पास HDFC, ICICI या SBI का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है,
तो आपको 1500 रुपए का ऑफ देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर जो पुराना सा डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको कैमरा भी काफी लो क्वालिटी का देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मेन सेंसर अच्छा देखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपका बजट 20,000 रुपए है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है, प्रोसेसर वहां पर आपको सिमिलर देखने को मिलता है, साथ ही डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिल रहा है। और अगर आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो तो 1000 या 2000 रुपए अपना बजट इंक्रीज करके पोको का पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हो, जो कि इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट है। तो इस स्मार्टफोन में सिर्फ आपको एक ही चीज अच्छी देखने को मिलती है, Snapdragon 695 का प्रोसेसर, साथ ही 1300 nits का ब्राइटनेस, जबकि डिस्प्ले आपको 2 या 3 साल पुरानी देखने को मिल रही है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।